चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार बीजेपी राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आगे चल रही है। इसके मद्देनजर बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। बता दें कि भाजपा ने 2019 में आम चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनावों में भी नतीजा यही रहा था। पूरे देश की बात करें तो चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार भाजपा 241 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 95 सीट पर है और समाजवादी पार्टी 36 सीट पर आगे चल रही है। लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता। आइए इनसे बात करते हैं। जी मैडम बताइए, लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है तो भाजपा निरंतर 7 सीटों पर दिल्ली की बढ़त बनाए हुए है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा की 7 सीटें हम जीत रहे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। और भगवा लहरेगा और सब तबके के लोगों के लिए, जो हमारी पार्टी ने जो भी प्रॉमिसेस किए उन सबके लिए हम कार्य करेंगे और भारत को विकास की तरफ लेके जाएंगे। क्या लगता है आपको, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? सोचने वाली बात ही नहीं है, इतिहास बनाएंगे, इतिहास बनेगा और भारत में इतिहास बनेगा और मोदी जी जीतेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आएंगे। और जो उन्होंने संकल्प लिए हैं, हमारा भाजपा में संकल्प होता है कि सभी के लिए काम करना, हर तबके के लोगों के लिए काम करना, वो करेंगे। भाजपा को कितनी सीटें आने का अनुमान है? 350 ऊपर। देखिए 400 का पार का नारा है हमारा और इंतजार कीजिए कि 400 पार ही करेंगे। इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की जो पिछड़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखिए वो तो एक कहते ना कि मौका परस इंसान लोग हैं, जब जरूरत पड़ी तो खट्टे हो गए और अब इलेक्शन खत्म होने दो, आपको दिखाई नहीं देंगे और आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे। परिवार के 5 लोग जरूरत होते हैं। जरूरत के लिए वो खट्टे हो गए। पहले वही केजरीवाल थे जो कांग्रेस को गालियां देते थे, जो शीला को गालियां देते थे, और आज वही केजरीवाल है जो उनकी गोदी में जाके बैठ गए। अरविंद केजरीवाल के जेल जाते हुए ये कह के गए थे कि अगर दिल्ली में 7 सीटें हमारी आती है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, इस पर आप क्या? देखिए वो उनके झूठे वादे, वो हर चीज में झूठा करते हैं। हम दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने उनको सत्ता दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? हर घर में शराब बंटवाना चालू कर दिया, एक के साथ एक पीना शुरू कर दिया। जो इंसान दारू नहीं भी पिएगा वो भी जिक्र है, मैं चेक तो कर लूं, एक के साथ एक फ्री आ रही है। तो हर घर, हर मंदिर के पास तक उन्होंने ये नहीं छोड़ा कि मंदिर के पास तक दुकानें खुलवाई शराब की और स्कूलों के बच्चों के पास। आज उन्होंने, वो कहते कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे, वो शिक्षा अच्छी नहीं दे रहे, वो शराब बंटवा रहे। और आज स्कूलों का जो लेवल किया, और जो स्कूलों का लेवल है, वो स्कूलों का लेवल उन्होंने बिगाड़ के रखा है। आप जाइए देखिए, स्कूलों में टीचर नहीं होते, स्कूल सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे, वो फ्री में जो होते ना रीडेवलपमेंट करना बच्चों से ही, बच्चों से बाल मजदूरी कराते हैं, सजावटे की चीजें बनाते हैं, स्कूलों में बच्चों से ही टंगवा देते हैं बना के, तो एक तरीके से स्कूल के अंदर भी बाल मजदूरी कराते हैं। जिस तरह से बाहर मुख्यालय के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न का माहौल है, उस पर क्या कहें? जी भाजपा जीत रही है, आप ढोल नगाड़े का मतलब ही यही होता है कि भाजपा आ रही है और हम भारी बहुमत से जीत रहे, बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे, मैं था इस समय भाजपा मुख्यालय के अंदर, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो बता रहे थे कि बीजेपी की 7 सीटें आ रही है। मैं हेमंत कुमार, टॉप स्टोरी दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।